एक मोरी नहीं जो है ना वो बंद नहीं हो रही, मोरी सारी बंद कर देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान जो कि तकरीबन तमाम के तमाम नमूने ही है, ये लोग हर रोज अपनी हरकतों की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं। आज हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मजाया तरीन मनाजर दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले इसे देख लें, ये हमारे फकीर आजम का मुशीर खास है और 3 लाख इसके घर का किराया है, मगर अजीब बात यह है कि इसकी तनख्वाह सिर्फ 2 लाख है। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। दोस्तों, सियासत ऐसी कुत्ती चीज है कि सियासतदान अपनी इज्जत भी नीलाम कर देते हैं। सुनिए ये बांदर बिलावल के बारे में क्या कह रहा है, और मजे की बात यह है कि ये दोनों इस नालायक हुकूमत का हिस्सा है। जबकि ये मैं आपको बता दूं कि वो मर्द ही है, तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है, मेरा अंदाजा है कि शायद वो शादी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। वैसे तो कमर जमान कायरा एक आला पाए के सियासतदान माने जाते हैं, लेकिन यहाँ काशिफ अब्बासी ने कायरा साहब की नवाज शरीफ वाली कर दी है। यहाँ पे इस वक्त जो मुकदमा है उसके 2 पहलू, एक पहलू वो है जो पीटीआई का और आपका है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, कह लें। और एक नुक्ता नजर वो है जो हुकूमत का, यानी मेरा आपका जियो का। दोस्तों, पाकिस्तान में आवाम भूख से मर रही है और ये लोग एक दूसरे की मोरिया बंद करने पर तुले हुए हैं। आज इनसे एक मोरी नहीं जो है ना वो बंद नहीं हो रही, मोरिया सारी बंद कर देंगे आप। अब इसको भी देख ले, इतनी आवाम कहां से आ गई इस कनीजे दौम की काल पे। लाहौर की यूथ का ठाठे मारता हुआ समंदर जरा चेक करे। ये है हमारे सियासतदान, ये पहले क्या कहा करते थे और अब क्या कह रहे हैं आप खुद समझदार हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी के असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपी के को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। पाकिस्तानियों को लूटने का अंजाम तो जरा देख लें, पाकिस्तानियों ने बड़े मियाँ की जिंदगी अजाब बना कर रख दिया। जब भी उठता है चोर चोर के नारे इसके मुकद्दर में लिख दिए गए हैं। वैसे क्या जिंदगी पाई है मियां साहब ने। नवाज शरीफ चोर, 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 नवाज शरीफ चोर, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आखिर में ये चेक करें, जहां फकीर आजम ने एक बोंगी मारी है और शेख रशीद ने उसका भरपूर जवाब दिया है। तो फिर मैंने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आजम भैया करूंगा। भाई, बदबूदार कपड़ों को कौन खरीदेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।